मैडमैक्स। इस सूट से तुम बिजली की स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। इसका नाम है लाइटनिंग सूट। तुम वीर को चारों तरफ से लेजर से मारना और तुम्हारी स्पीड की वजह से वीर तुम्हें देख नहीं पाएगा और वो खत्म हो जाएगा। You're genius, boss. She's right, boss. मैं ट्रायल ले लूं। ये काम कैसे कर ये काम करता है बॉस। You are genius, boss. मुझे पता चल गया है। अब बस नहीं करो। इसको खत्म करना है। मुझे Boy, suit on. मिस्टर चड्डा, कार को कंट्रोल कीजिए। मिस्टर चड्डा, मेरे ब्रेक फेल हो गए हैं। मैंने सब देख लिया। आने दो वीर को। आज पूरे फुर्सतगंज को पता चल जाएगा कि वीर ही रोबो बॉय है। हर बच्चे के अंदर रोबो बॉय होता है, है ना जिंटू? अगर तुम अच्छाई के दोस्त बनो और बुराई के दुश्मन, तो तुम भी रोबो बॉय बन सकते हो। क्या सच? तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। हम सच कह रहे हैं बंटी। ओके, आज से मैं अच्छाई का दोस्त हूँ और बुराई का दुश्मन। मैं तो रोबो बॉय बना ही नहीं। मेरी रोबो बॉय वाली ड्रेस कहाँ है? वो तुम अभी खड़े हो ना। तुमने फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई भी सुपर हीरो भागता है तो भागते हुए उसकी ड्रेस चेंज हो जाती है। ओके, अभी मैं भागना शुरू करता हूँ। अगर मेरी ड्रेस चेंज नहीं हुई तो देखना तुम लोगों को मैं अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। मैं रोबो बॉय हूँ। इमली, तुम ठीक कह रही थी, मैं एक जॉय फ्लाइट कराता हूँ। तुम्हारा अंत आ गया है रोबो बॉय। मैं बुराई का दोस्त, अच्छाई का दुश्मन। नहीं, सॉरी, फिर से कहता हूँ, मैं अच्छाई का दोस्त और बुराई का दुश्मन रोबो बॉय हूँ। अंत मेरा नहीं, तुम्हारा आया है। येलो और येलो और येलो। मारो 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 रोबो बॉय, तुम्हारा निशाना खराब हो गया है या फिर तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है? अब मेरी बारी। वीर सुनो, क्या हुआ? वापस आ गए। चलो एक मौका फिर से देता हूँ। मारो मारो। फिर मत कहना मैंने मौका नहीं दिया। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये चीटिंग है। पहले खराब निशाना लगा के उल्लू बनाया और फिर सही निशाना लगा दिया। बॉस, ये रोबो बॉय चीटिंग कर रहा है। रोना बंद करो और जाओ, पैक करो, जाओ। ये टिम्बकटू कहाँ जाके छुप गया? वो रोबोट फिर न मिल जाए। ये रोबो बॉय बनना आसान काम नहीं है।
उस रोबोट को देखा क्या? ये रोबो बॉय तो मुझसे डर के भाग रहा है, फिर मैं क्यों डरूं? वो रोबोट तो मुझसे डर के भाग रहा है, फिर मैं क्यों भाग रहा हूँ? अब मेरी बारी है। तुम हार नहीं मानते? लो मारो मारो, यहाँ यहाँ मारो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चीटिंग है बॉस। वो लाइटनिंग सूट दिया है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? सॉरी बॉस, भूल गया था, अभी करता हूँ। वो देखो बंटी आ रहा है, कितना डरा हुआ लग रहा है, फिर कभी बुराई से नहीं लड़ेगा। ये तो गलत होगा, चलो उसकी मदद करते हैं। जाओ उसे कहो डरे नहीं और फाइट करे। मैं चुपचाप उसकी मदद करूंगा तो उसकी हिम्मत बढ़ेगी और शायद वो सुधर जाएगा। इससे वो हमेशा अच्छाई का साथ देगा और बुराई से लड़ेगा। बंटी, तुम इतना डर क्यों रहे हो? ये अच्छाई का साथ और बुराई से लड़ाई मुझे बहुत भारी पड़ रही है। ये रोबो बॉय का सूट भी नहीं उतर रहा, वो मुझे रोबो बॉय समझ के मार रहा है। डरो मत बंटी, जीत तुम्हारी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। जाओ और युद्ध करो। इस बार तुम नहीं बचोगे रोबो बॉय। ये! मैंने उसे मार गिराया। मैंने कहा था ना, अब उसे पूरी तरह हरा दो। मुझे बंटी के पीछे हर हाल में रहना होगा। मैग्नेटिक पुल ऑन। मैग्नेटिक पुल ऑन। अब बंटी की रोबो बॉय ड्रेस मेरी ड्रेस से चिपक गई है। ये कौन बोला मैग्नेटिक पुल ऑन? कौन? अब देखना मेरे लाइटनिंग सूट का कमाल। वो तो मुझसे भी ज्यादा तेज है बॉस। यस यस, आई कैन फाइट, आई कैन विन। फोटो खिंचवाओ, कम ऑन, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। उम्मीद है रोबो बॉय से पैसे नहीं मांगोगे, अगर मांगे तो तुम्हें बचाने के लिए मैं बुराई से नहीं लड़ूंगा। ये नहीं सुधरेगा चिंटू, सबकी याद गुम करो ताकि ना बंटी को कुछ याद रहे ना इन लोगों को।
मेरे हाथ में चॉकलेट्स कहाँ से आई? ये मेरी चॉकलेट है। रुक शैतान, मेरी चॉकलेट चुराता है। मम्मी! लो वीर, हो गई तुम्हारी सर्विसिंग। मैं जरा ये सामान वापस रख दूं। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये वीर रोबोट है। आज देखता हूँ, इसे तो ऐसा खराब करूंगा कि फिर ये कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। जाओ वीर, अब तुम बाहर जाकर खेल कूद सकते हो, खा पी सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। दादाजी, मैं पहला ऐसा रोबोट हूँ जो इंसानों की तरह खा पी सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ वीर, मैंने तुम्हें ऐसा इसलिए बनाया है कि लोगों को तुम पे शक ना हो कि तुम इंसान नहीं, एक रोबोट हो। अमेजिंग रोबोट। दादाजी, कुछ कुछ मैं वीर, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? पता नहीं दादाजी, पता नहीं क्या हो रहा है। दादाजी, वीर को क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, वीर अचानक रोबोट की तरह बिहेव कर रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। वीर, वीर! वीर, इधर अंदर चलो, बंटी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। बंटी, वीर तो घर पर नहीं है। दादाजी, वो घर पे ही है, नहीं तो इमली चुलबुल यहाँ नहीं होते। मैंने उसे अभी अभी अंदर आते देखा है। यस यस, मुझे पता था वीर यहाँ है। ये देखो। क्या पता था? वीर तो यहाँ ब्रेक डांस कर रहा है। वीर का राज फाश हो जाएगा कि वीर एक रोबोट है। मम्मी, पापा! हिमली, मुझे वीर को ठीक करने के लिए टाइम चाहिए। अब ये बंटी सबको बुला लाएगा। वीर, चुटकी बजाओ, जल्दी चुटकी बजाओ, वही मदद कर सकता है। क्या हुआ चिंटू? वीर के मैकेनिज्म में प्रॉब्लम आ गई है। बंटी को शक हो गया है। वो अपने मम्मी पापा को बुला के वीर की पोल खोलने गया है। कुछ करो। डोंट वरी, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। दादाजी, आप वीर को अंदर ले जाओ, मैं बंटी को संभालता हूँ। गुड मॉर्निंग अंकल। अभी देखा था वीर, रोबोट की तरह चल के दिखाओ। लेकिन बंटी, मैं तो ब्रेक डांस कर रहा था। ये देखो ऐसे। ओए बंटी, क्या बोल रहे हो तुम? वीर तो ठीक ठाक है। बंटी की मम्मी, इसके कान पकड़ कर ले जाओ, मैं थोड़ा डांस करके आता हूँ। स्टॉप स्टॉप, ये सब हमें बुद्धू बना रहे हैं। चलो यहाँ से, वरना अब हमसे पिटोगे। शुक्र है वो चला गया। चलो अब वीर को ठीक करते हैं। मैंने उसे कमरे में बंद करके रखा है ताकि वो बाहर ना जाए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भूल गया। ये किसका घर है और मैं यहाँ कैसे आया? तुम सच सच बता दो, तुम रोबोट हो कि नहीं? वीर, ये कौन है? मुझे नहीं पता। भूल मुझे चाट खाने का मन कर रहा है। फिर से खराब हो गया इसका मैकेनिज्म। आओ मैं तुम्हें चाट खिलाता हूँ। तुम्हारा नाम वीर है और मैं बंटी हूँ, तुम्हारा दोस्त। चलो चलो चाट खाते हैं, चलो। ओह नो, लगता है वीर इस खिड़की से बाहर निकल गया। जल्दी चलो उसे ढूंढते हैं।
जाओ, चाट वाला अंदर है। अंदर है? चलो। केकी पेकी, चलो चलो, अब मम्मी पापा को लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि ये वीर ही रोबोट है। ये क्या? यहाँ तो कोई नहीं है। चाट खिलाने की जगह यहाँ बंद कर दिया। ये कैसा दोस्त है? मैं जा रहा हूँ। बॉस बॉस, गुड न्यूज, वीर को पकड़ के ले आ रहा हूँ। हाँ बॉस। अरे मेरी चाट गिरा दी। अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हारी खैर नहीं। ये लड़का भी ना बस ऐसे ही परेशान करता रहता है। इमली, चिंटू को ढूंढो। बंटी वीर को ले गया है और कैकी के घर में बंद करके रखा है। वो उसे एक्सपोज कर देगा। चिंटू जल्दी चलो, वीर का राज खुलने वाला है। उसे बंटी ने पकड़ के कैकी के घर रखा है। तुम कौन हो? भूल गया। तो मैं हूँ, मेरे दोस्त बंटी ने बताया था। मुझे तो किसी ने नहीं पकड़ा। चिंटू, तुम्हारे सर पे मकड़ी गिर गई है। मैं उसे एक टपली मार के भगा देता हूँ। वो तो तुम्हारे सिर पे है। हटो हटो, भागो। इमली जल्दी करो, बंटी के मम्मी पापा कैकी के घर पर पहुँच गए हैं। चिंटू, इट्स इमरजेंसी। ओ इमली, मैं यहाँ कैसे आया? क्या हो रहा है? अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमा दम। तुम्हारे बदन की सब मिट्टी साफ हो जाए और तुम ठीक हो जाओ। अरे इमली, हम सब इस रूम में क्या कर रहे हैं? ओह, शुक्र है तुम ठीक हो गए। सुनो, अब तुम लोग जरा बाहर जाओ और देखो मेरी एक्टिंग। आंटी अंकल, बंटी केकी पेकी मुझे जबरदस्ती पकड़ के ले आए और बंद कर दिया। मत रो बेटा, मत रो। क्यों बंटी, ये रोबोट दिख रहा है? ये तो अच्छा खासा लड़का है, इसके तो आंसू भी बह रहे हैं। ये हमेशा मुझे गलत साबित कर देता है। आप केकी पेकी से पूछो। वीर तो नॉर्मल है हमारे जैसा। बंटी ने कहा इसे पकड़ के बंद कर दो, हमने बंद कर दिया। हाँ आंटी, बंटी हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता है। आंटी हेल्प मी, बंटी को समझाइए ना मेरा पीछा छोड़ दे। दादाजी, बंटी ने मुझे। मिस्टर चड्डा, आप अपने बेटे का कुछ करिए। हम आज इसे ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर आपको ये कभी तंग नहीं करेगा। एक्टिंग कर रहा है, मैं तो असलियत में इसके जैसा।
बाय बंटी।